सो हाय गाइस, मेरा नाम है वीरू और आप देख रहे हो स्पोर्ट्स के, तो स्पोर्ट्स एकदम आपका स्वागत है। तो भाई साहब, आज मैं बात करने वाला जो हमारा कल अफगानिस्तान के साथ मैच हो उसके बारे में बात करेंगे, और आज जो हमारा स्कॉटलैंड के साथ मैच होने वाला है आपके लिए आज और मेरे लिए कल, बिकॉज मैं एक दिन पहले वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अगर कोई इंजुरी अपडेट आती है तो मैं अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा या फिर मैं नीचे अपडेट कर दूंगा, तो वहां से आप देख लेना। तो जैसे मैंने बोला, हम अफगानिस्तान के बारे में की जो मैच हो उसके बारे में बात करेंगे, तो शुरुआत उसी से करता हूँ यार, बाद में हम स्कॉटलैंड के मैच की तरफ आते हैं। तो जो कल हमने बैटिंग की है, तो सबसे पहली बात, अगर आपने मेरा पाकिस्तान वाला वीडियो देखा होगा जो मैंने प्री वीडियो क्रिएट किया था, उस पर मैंने पहले ही बोला था, अगर हमारे 1 2 3 में से कोई भी दो जन क्लिक अगर करेंगे, अगर एक अच्छी अच्छी शुरुआत देंगे ना, तो हमारे नीचे के सारे प्लेयर चलेंगे। फिर वो सूर्य कुमार यादव हो, ऋषभ पंत हो, हार्दिक पांड्या हो, रविंद्र जडेजा हो, वो मतलब हमारा सब सही होगा अगर हमारे ऊपर अच्छा होता है। और अफगानिस्तान के मैच में हमारा वही हुआ जो रोहित शर्मा और राहुल ने इनिंग्स खेली। अनफॉर्चुनेटली मैं देख नहीं पाया, बिकॉज आपको भी पता है यार, थोड़ा दिवाली के भाग दौड़ में थोड़ा शॉपिंग करने गया था, तो इसलिए मैं देख नहीं पाया मैच। बट हाँ, मैंने कुछ शुरुआत के 3 ओवर देखे थे मैंने, एंड हाउ दे प्लेड इट जस्ट अमेजिंग। और मैंने जितना मुझे याद आ रहा है 8 9 10 ये 3 ओवर देखे थे। उसके बाद मैंने जो हार्दिक पांड्या ऋषभ पंत की बैटिंग थी, जो ऋषभ पंत ने 6 मारे यार, मतलब एक एक हाथ से कौन छक्के मारता है यार। हम जब वो 6 मारता है ना, ऐसा लगता नहीं कि वो 6 जाएगा, पर फिर भी इतना लंबा 6 जाता है कि क्या ही बोलूं ही, मतलब वो कुछ अलग ही टैलेंट है। अब वो 6 मारते समय आपको इतना अच्छा नहीं दिखेगा यार, बट वो 6 जाता है, वो इंपॉर्टेंट है यार, वो बहुत बड़ी बात है। तो वो मुझे उनकी बैटिंग अच्छी लगी। हार्दिक पांड्या यार, अब बहुत सारे लोग कहेंगे अफगानिस्तान के सामने मारा, बट देखो ये मैं मानता नहीं हूँ, किसी भी सामने मारे, मतलब किसी के भी सामने मारो, आप पैपुना नेविले के भी सामने मारो ना यार, वो भी उसके उनके मारने सामने भी टफ होता है। आप ऐसा किसी से किसका क्रेडिट छीन नहीं सकते यार, ये मेरे कहने का मानना है। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमारा हमको कुंफू पांड्या फॉर्म में मिले। और एक चीज़ जो मुझे पांड्या की अच्छी नहीं लगी, देखो अच्छी मतलब मुझे ऐसा लगा कि अच्छी लगी, जो वो बॉलिंग कर रहे हैं ना, अगर वो जबरदस्ती बॉलिंग कर रहे हैं, किसी को लोगों को दिखाने के लिए बॉलिंग कर रहे हैं कि देखो मैं बॉलिंग कर सकता हूँ इसलिए मुझे टीम में लिया है, तो प्लीज़ यार बॉलिंग मत करो। अगर 100% फिट हो तो ही बॉलिंग करो, बिकॉज 10 दिन पहले तो यार आप ऐसा कंधा पकड़ रहे थे, ये सारी चीजें हो रही थी। हरभजन सिंह ने भी बोला था कि वो इंजेक्शन खेल खेल के खेल रहा है, तो मुझे ऐसा लगा, अगर आप फुल्ली फिट हो, अगर आपको लगता है तो फिर ठीक है, पर अगर वो फुल्ली फिट नहीं है फिर भी अगर वो बॉलिंग डाल रहा है, तो यार उनका तो मतलब इंडिया का तो नुकसान है ही, और उनका खुद के करियर का नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ यार, प्लीज टेक लाइटली, इतना सीरियसली मत लो, थोड़ा अभी बॉलिंग ना ही करे तो बेहतर है यार। अगर वो फुल्ली फिट है तो फिर ठीक है, पर अगर वो फुल्ली फिट नहीं तो वो बॉलिंग ना ही करे यार, तो वो ही है। तो ये तो बात हुई इंडिया के मैच के बारे में। और जैसे मैंने बोला, जो 6 ओवर हमने खेले थे ना, जिस तरीके से मुझे लगी, 10 ओवर तक मैंने देखा था, मुझे लगा ही था यहाँ से इंडिया हार ही नहीं सकती, और वैसा ही हुआ। तो हम कुछ 200 रन का टारगेट स्कोर कर लेते, आपको आपको पता ही है मैं आपको क्या ही बता रहा हूँ। उसके बाद जो मैंने बॉलिंग की, हमने इंप्रूवमेंट की, शमी भाई ने 3 विकेट लिए, रविंद्र जडेजा ने विकेट ली, अश्विन ने विकेट ली, भाई साहब मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब जो हमारे लिए सही जा सकता था वही गया। मैंने जो स्टार्टिंग के 10 ओवर थे अफगानिस्तान थे, वहाँ तक देखा 60 पे स्कोर था उनका, जब अश्विन ने अपना 1 विकेट लिया था तब तक मैंने देखा। उसके बाद मुझे लगा ही था यार, कुछ देख के फायदा होने नहीं वाला है, इंडिया आराम से जीत जाएगी। बट एक चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा हमने ज़्यादा रन स्कोर करने दिया, बिकॉज जब मैं छोड़ के गया था 10 ओवर 59 रन थे, और जब मैं आता हूँ क्रिकबस पे चेक करता हूँ तो रन हो जाते हैं 144। चलो ठीक है यार, 66 रन से हम विन कर गए, बट मेरे ख्याल से और अगर थोड़ा कम रोक देते तो अच्छा होता। करीम जन्नत ने भाई साहब 42 रन ठोक दिए, मोहम्मद नबी तो ठीक है, चलो वो तो मार सकते हो, तो ऑलराउंडर है, बट करम जन्नत ने 200 के स्ट्राइक रेट से खेल के गया यार। तो वहाँ पे मुझे तो लगा कि ये अगर 120 125 पे रोकते तो अच्छा होता, पर चलो ठीक है यार, मतलब चलो ठीक है, मतलब जीत गए, 66 रन से जीत गए तो अच्छी बात है। तो यही कुछ मैच की बात है यार। अगर मैं अगले मैच की बात करूँ तो हमारा स्कॉटलैंड के साथ होने वाला है। देखो तो आपको ही पता है यार, स्कॉटलैंड के साथ अभी यहाँ पे टॉस जीतो ना जीतो ऐसा कोई ऐसा फर्क पड़ने नहीं वाला है। अगर इस मैच में अगर हम टॉस पे डिपेंडेंट रहते तो भाई साहब क्या ही बोले, बट मैं चाहता हूँ यार ऐसा ही हो, हम पहले बैटिंग करें। अब आगे दोनों गेम जो भी क्या कहते हैं, जो नामीबिया के साथ होगा हमारा 8 तारीख को, और आज का जो गेम है स्कॉटलैंड के साथ, वो जो भी गेम होने वाला है ना, मैं चाहता हूँ भाई साहब, मैं पर्सनली चाहता हूँ किसी एक गेम में ना हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप आउट हो जाए जल्दी, और जो हमारे सूर्य कुमार यादव है, ऋषभ पंत है, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, वो लोग अपनी टीम को स्क्रैप से ऊपर तक लेके आए। मतलब मैं ऐसा चाहता हूँ कि भाई पावर प्ले में हमारे 2-3 विकेट गिरे,
और जो हमारे हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत और जो मैं बोल रहा हूँ सूर्य कुमार यादव, वो हमें ऊपर लेके आए। अगर ऐसा होगा ना भाई साहब, और ऐसे हम जीतेंगे मैच, तो भाई साहब मतलब मजा ही आ जाएगा। सिर्फ ओपनर से अगर जीतेंगे, क्योंकि ये हमारा पैटर्न रहा यार, ये आज से नहीं 3-4 साल पहले से पैटर्न रहा है। अगर 1-2-3 अच्छा करते हैं तो ही हम अच्छा करते हैं, उसके बाद हमको क्या हो जाता है क्या पता। कल हमने डॉट बॉल भी ज्यादा नहीं खेली तो वही हो जाता यार, जब हमारे 3-4 विकेट गिर जाते तो हम ना हमें सिंगल लेने नहीं होता, जहाँ पे 2-2 रन होते हैं वहाँ पे हम सिंगल ले लेते हैं, तो वहाँ पे हम बहुत सारी चीजें चोक कर जाते हैं। इसलिए मैं पर्सनली चाहता हूँ जो हमारा स्कॉटलैंड का गेम होगा या फिर जो हमारा लास्ट का गेम होगा, लास्ट का ग्रुप स्टेज गेम नामीबिया के साथ, उसमें मैं पर्सनली चाहता हूँ कि हमारा जो मिडल ऑर्डर है, लोअर मिडल ऑर्डर है, वो हमें मैच जीता तो हमें और मजा आएगा। और बॉलिंग तो जैसे मैंने बोला शमी भाई अच्छा कर ही रहे हैं, शार्दुल ठाकुर का मुझे याद नहीं, स्टार्टिंग के 10 ओवर में तो उनको बॉलिंग ही नहीं मिली थी। जैसे मैंने बोला हार्दिक पांड्या आए थे एज अ सिक्स था, छठी या सती ओवर करने के लिए, तो होप यार वो ज़्यादा अपने आप पे लोड ना ले, ज़्यादा प्रेशर ना ले, अगर वो फिट है तो ही बॉलिंग डाले। तो यही था यार मैं अगले मैच के बारे में। अगर मैं स्कॉटलैंड की प्लेयर्स की बात करूँ तो स्कॉटलैंड में भी अच्छे खासे प्लेयर है। अगर आपने उनका कल का परसों का न्यूजीलैंड का मैच देखा होगा तो उन्होंने 15-16 रन से वो हारे यार, और मतलब बहुत अच्छा खेला है, लिटरली दे प्लेड वेरी वेल। अगर उनको, अगर मैं उनकी बॉलिंग की बात करूँ तो एक शरीफ करके बॉलर है उसके ऊपर ध्यान रखना, एक वॉट करके बॉलर है, वेल ऐसे कुछ करना, मुझे नाम उनके याद नहीं रहते, उसने भी कल 2 विकेट लिए थे। क्रिस ग्रीव करके बॉलर है, वो भी बहुत अच्छा है। उसने तो एक जब आई थिंक सो एक जो हमारा राउंड वन था 2020 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का, उसमें उसने बांग्लादेश के सामने एक 45 रन की यूजफुल पारी खेली थी, मैच विनिंग पारी खेली थी, तो वो बैटिंग से भी अच्छा कर सकता है। अगर मैं उनके बैट्समैन की बात करूँ तो उनके पास अभी ब्रैगिंगटन है, एक क्रॉस करके है, जो क्रॉस ने उस दिन न्यूजीलैंड के मैच में एक ओवर में एडम मिलने को 5 चौके मारे थे, उससे पहले उसने एडम मिलने का एक ओवर मैडन खेला था और उसके अगले बार उसने 6-5 चौके मार के पूरा बदला वसूल कर लिया। उनके पास उसका जो एक ओपनर है वो भी बहुत अच्छा है, उनके पास दोनों ओपनर अच्छे हैं, एक जो काइले कॉर्जर है भाई साहब, उनको तो ICC एसोसिएट प्लेयर ऑफ द ईयर ऐसा कुछ मिला था उनको। अब उनका इतना अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा है, 50-60-70 रन है उनके, बट जो उनका ओपनर है उसके भी 100 से ऊपर रन है, क्रॉस का अच्छा चल रहा है, डेरिंगटन जो मैंने बोला तो अच्छा अच्छा है, थोड़ा बहुत स्पार्क है उनमें, बट क्या ये स्पार्क क्या इंडिया को हरा सकता है वो हमें देखने मिल जाएगा। तो इतना भी कमजोर मत समझो, जैसे मैंने बोला बॉलिंग जैसे मैंने बोला उनके 3-4 प्लेयर है जिनके 6-6, 7-7 विकेट है। हाँ उन्होंने एसोसिएट नेशन के साथ खेला जो उन्होंने राउंड वन खेला है, बट फिर भी यार उन्होंने विकटे लेना जानते हैं वो, खासकर शरीफ और जो वेल करके प्लेयर है इधर आपके सामने, मैं उसका नाम डाल दूंगा तो वहाँ से आप देख लेना। तो यही कुछ था यार जो अफगानिस्तान के मैच के बारे में और ये अपना जो बोला स्कॉटलैंड के मैच के बारे में, तो बस यार इधर रहता है शुरू के लिए। और एक चीज़ है, शायद से जो भी हमारा स्कॉटलैंड का मैच होगा उसका मैं आपको रिव्यू शायद से ना दे पाऊँ, बिकॉज ये मैच आई थिंक सो 5 तारीख को रात को खत्म होगा 10:30-11 बजे और सुबह 6 बजे अगले दिन सुबह 6 बजे मतलब 6 तारीख को मुझे जरा बाहर जाना है, जरा भाई दू जा रही है इसलिए मुझे थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा यार, थोड़ा एक वेकेशन ले रहा हूँ, थोड़ी छुट्टी ले रहा हूँ काम से, तो 1-2 दिन शायद से वीडियो ना देखने मिले। अरे यार लाइट चली गई, पर रुको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम थोड़ा यहाँ पे आते हैं, तो शायद से आपको वीडियो ना देखने मिले, बट फिर भी मैं अपना पूरा का पूरा ट्राई करूंगा कि मैं वीडियो डालूं। तो बस यार इतना रहता है वीडियो के लिए, अगर आपको वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, तब तक के लिए पीस आउट और सॉरी फॉर दिस स्लाइडर, क्या ही करूँ।